क्यों नहीं दे सकते हैं। तो ये मेरा निवेदन है कि हर महिलाएं देगी, अगर आप विधायक जी ने बात रखी है तो मैं समझता हूँ कि जरूर इस बात पर काम करेंगे। निश्चित तौर पर, क्योंकि हमारी एक जन्म भूमि है और इस धरती में हमने भी जन्म लिया है। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो हमारी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, जो हमारे दादा परदादों ने बड़े बड़े पहाड़ खोद कर खेत बनाए, आज वो टीरी झील विश्व की नंबर एक की झील, 42 वर्ग किलोमीटर लंबी चौड़ी झील, और इसमें पर्यटन की बहुत गतिविधियां होने वाली, बहुत सारी संभावनाएं हैं, पर्यटक यहां आएंगे। तो मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आपकी जो पैतृक संपत्ति, इसको ऐसी कौड़ी के भाव मत उड़ाओ, ये आने वाले समय में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं, क्षेत्रवासियों से, कि आप अपनी जमीन को रखिए, अगर देना भी तो किसी को लीज पे दीजिए, बड़े उद्योगपति का कोई होटल खोलना चाहता है, रिजॉर्ट खोलना चाहता, ऐसा ना हो कि बेघर हो जाए और कल के दिन उनके बर्तन हमको धुलने पड़े, तो ये कहीं ना कहीं हमको कष्ट होगा कल के दिन आने वाले भविष्य में। तो आज ओखला गांव में फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें ओखला ने काफ़ी शानदार जीत हासिल की। तो इस मौके पर कई राजनीतिक लोग यहां पर उपस्थित रहे, और बाकी मेरे बगल में आप देख सकते हैं पूर्व जिला पंचायत आनंद सिंह जी भी है। तो आनंद जी, स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद मिला भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो आपके चैनल देखते हैं, आप बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं और आपका चैनल बहुत अच्छा जो जमीनी मुद्दे हैं उनको उठाता है, इस बात के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। बाकी आनंद जी, कैसा लगा आपको आज का मैच? बहुत अच्छा लगा। इन्हीं खेत खलिहानों से आज कोई IAS बना, PCS बना, इन्हीं खेत खलिहानों से हम उभरे हैं। यही हमारी कर्म भूमि है और इसी कर्म भूमि के मैदान में यहाँ अपनी प्रतिभाएं निखारने के लिए आज हमारे नौजवानों को मौका मिल रहा है, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वो जब जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर अपना नाम रोशन करें। इतना बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है, फिर भी ग्राउंड की कमी है। हाँ, निश्चित तौर पर इस बात की मुझे भी पीड़ा है, और हमने मिनी स्टेडियम पड़िया में किया था, वो अधूरा रह गया, उसको पूरा करेंगे। थोड़ा जमीन का अभाव हो जाता है, अगर पूरा क्षेत्र के लोग एकजुट होकर के कहीं पर लैंड जमीन देते हैं तो निश्चित तौर पर स्टेडियम, मिनी स्टेडियम भी बनेगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि हमारी एक जन्म भूमि है और इस धरती में हमने भी जन्म लिया है। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो हमारी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, जो हमारे दादा परदादों ने बड़े बड़े पहाड़ खोद कर खेत बनाए, आज वो टीरी झील विश्व की नंबर एक की झील, 42 वर्ग किलोमीटर लंबी चौड़ी झील, और इसमें पर्यटन की बहुत गतिविधियां होने वाली, बहुत सारी संभावनाएं हैं, पर्यटक यहां आएंगे। तो मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आपकी जो पैतृक संपत्ति, इसको ऐसी कौड़ी के भाव मत उड़ाओ, ये आने वाले समय में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं, क्षेत्रवासियों से, कि आप अपनी जमीन को रखिए, अगर देना भी तो किसी को लीज पे दीजिए, बड़े उद्योगपति का कोई होटल खोलना चाहता है, रिजॉर्ट खोलना चाहता, ऐसा ना हो कि बेघर हो जाए और कल के दिन उनके बर्तन हमको धुलने पड़े, तो ये कहीं ना कहीं हमको कष्ट होगा कल के दिन आने वाले भविष्य में। इस वक्त मेरे साथ मनवीर जी मौजूद है। मनवीर जी, कैसा लगा आपको आज का मैच? भाई जी, पहले तो मैं दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, और ख़ास करके अपने छोटे भाई हिम्मत पंवार को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और उसके बलबूते पे आज ओखला जो फाइनल जीती है, उसके लिए सारे ग्रामवासियों की तरफ से हिम्मत को बधाई और शुभकामनाएं। हिम्मत लगातार दूसरी बार भी फाइनल ले गए। जी बिल्कुल, पिछली बार भी फाइनल हिम्मत ले गया था, और इस बार भी ओखला का नाम रोशन किया है हिम्मत ने। बहुत बहुत बधाई का पात्र है हिम्मत जी। जी, बाकी आप इसी गांव के? जी बिल्कुल, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। इतना बड़ा आबादी वाला गांव है, फिर भी ग्राउंड की सुविधा नहीं है यहाँ? ग्राउंड की सुविधा नहीं है, अभी थोड़ी देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी यहाँ पे जो प्रतिनिधि जी हैं, अभी कुछ लोगों ने अभी आगे इस पे काम किया नहीं है, अभी इस चीज़ को गंभीरता से लेना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ का विकास हो सकता है। बहुत बड़ा गांव है हमारा, और ज़मीन भी मिल जाएगी। आज तो जब बाहरी लोगों को हम ज़मीन बेच सक रहे हैं, बेच रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने बच्चों के लिए ज़मीन बेचें। सही बात है, गवर्नमेंट से पैसा आएगा, पैसा गांव के लोगों को मिलेगा। विधायक जी ने भी ये बात कही है कि अगर आप ज़मीन देते हैं तो ग्राउंड बना के देंगे। जी बिल्कुल, ज़मीन मिल जाएगी सर, ज़मीन इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब पॉसिबल है। इस धरती में आए हैं तो पॉसिबल सब चीज़ है। अगर आप पैसा देते हो तो ज़मीन भी मिलेगी, पर उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, है ना। बोलने से कुछ नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, सब चीज़ हो जाता है, पॉसिबल सब है। जमीन दे रहे जी, तो बाहरी लोगों को हम ज़मीन बेच रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ज़मीन क्यों नहीं बेच सकते? अगर आप पैसा लाओगे क्यों नहीं देंगे ज़मीन? मैं दूंगा, मैं दिलाऊंगा, है ना। बात ये है,
और बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। चलो उम्मीद करते हैं कि अगले साल यहाँ पर ग्राउंड बने, बढ़िया ग्राउंड बने जी, और उसमें ये नागदा टूर्नामेंट हो, आगे हम इस बात को रखेंगे जी। तो इस वक्त मेरे साथ सैलू भाई हैं जिन्होंने आज मैच में पहुंचकर चार चांद लगा दिए थे। तो सैलू भाई स्वागत है आपका। धन्यवाद मिलाप भाई आपका, और मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिस तरह से आप लाइव वीडियो चलाते हैं हर क्षेत्र से हर गांव से। तो सबसे पहले धन्यवाद आपका, आपका जो न्यूज़ चैनल है गढ़वाल तक, उसको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ, बधाई देता हूँ। मैं आप हमेशा आपका चैनल देखता रहता हूँ और आप छोटी बड़ी खबरें